सीमा इस इच्छाधारी नेवले को यहां कैसे ले आई है? दीदी से बात करती हूं। ये आवाज तो रेहान के कमरे से आ रही है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। समारा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। समारा कहाँ है? अच्छा समारा कहाँ है? समारा, समारा कहाँ है? समारा, मुझे पता है तुमने समारा के साथ क्या किया है। मैंने उसकी चीखें सुनी थी। कहाँ है वो? मारा ना तुमने उसे? अपनी बीवी पे हाथ उठाया ना? देखो अगर तुमने उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत किया ना, तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, और ऐसे नहीं तो वैसे सजा तो तुम्हें देके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है दिया को भी तुम ही ने मारा था। भाभी, समारा कहाँ है? भाभी मैं यहाँ हूँ। वो भाभी मैं एक्चुअली वॉशरूम में गिर गई थी, तो अब ठीक हो? जी भाभी मैं ठीक हूँ। ये नजरें चुराना, रिहा ने तुम्हें मारा क्या? भाभी आप मेरे बारे में ये सब बातें नहीं बोल सकती। मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा? गुड, तुमने खुद को कंट्रोल में रखा, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो देता। एक साथ कितनी मुसीबतें, एक तरफ चंदमा को जाने से रोकना है, दूसरी तरफ ये रैनाक्षी मुसीबत, और अभी रेहान। मुझे दीदी से बात करनी होगी। ये सारे एक साथ यहाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है? अरे अरे भाभी कम ऑन, आपके लिए ना एक बीएन वेट कर रही है। बीएन? अरे भाभी बीएन ब्रेकिंग न्यूज़ जानती है? पागल। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बट आई थिंक दिस इज गुड न्यूज है ना, डबल धमाका, क्योंकि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, और वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मेरी भतीजी आन्या को प्यार हो गया है। रैनक्ष से Come on guys, let's party! My best friend चंदा का बेटा और मेरी जेठी की बेटी, इन दोनों की शादी होने जा रही है, और मैं बहुत खुश हूं। ऋषि बेटा ये लो ना। क्या बात है अन्ना, कल तक तो तुम बड़ी बिजनेस की बातें कर रही थी और आज सीधा शादी, प्यार क्या चल रहा है? वैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट, अभी अभी तो मिले हैं, और वो होता है ना जो पहली नजर का प्यार होता है, बस वो हो गया, फिर देखते ही देखते हमने डिसाइड कर ली कि शादी करनी है। आन्या अब तू तो वेरी सून JMW होने वाली है। अरे भाई अब ये JMW क्या है यार? अरे चाचू जस्ट मैरिड वाइफ। प्रथा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का बहुत अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। ये तो आया था अपनी माँ को लेने के लिए, और अब आन्या से सगाई कर रहा है। पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है ये किसी मकसद से आया है। दीदी ये कोई लड़का नहीं, नेवला है, इच्छाधारी नेवला।
ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, ये नेवला है। मैंने अपनी आंखों से इसे नेवले का रूप लेते हुए देखा है। फिर तो हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो कैसे? मेरे तपस्या के दिनों में माँ ने मुझे कहा था कि नेवला नाग नागना का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये बहुत ही शातिर होता है। किसी से भी कोई भी बात मनवा लेते हैं और कुछ भी काम करवा सकते हैं, पर ये नाग नागनों के पीछे से सर पे वार करते हैं और चीर फाड़ कर देते हैं। और ये हमेशा कीमती रत्नों के पीछे पड़ रहते हैं, क्योंकि एक जमाने में ये कुबेर के बहुत प्रिय होते थे और इसीलिए उनमें इतना लालच आ गया था। नेवले और सांप की लड़ाई करोड़ों सालों से, अगर नेवले को सांप दिख गया तो जब तक वो उसका खून नहीं करता है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। Come on guys, let's go out. Beer party हो जाए। Renaksh, we are waiting. Come soon. You carry on, I'll join you. चलो। Come on. Hello. Yeah. What? मैं अभी आ रहा हूँ। Yeah. तुम्हारी ये भाभी बड़ी स्वीट है ना? ऋषभ भाई की किस्मत है कि उनको प्रथा भाभी जैसी पत्नी मिली। उन दोनों को ही देख के मुझे प्यार का मतलब समझ में आ गया। अगर प्यार हो तो इन दोनों जैसा। पर मैं हमेशा सोचती रही कि क्या मुझे ऐसा प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं प्रथा भाभी जितनी प्रिटी नहीं हूँ ना। हे आन्या, यू ब्यूटीफुल थिंग, मेरी नजरों से देखो तुम प्रिटी नहीं, प्रिटी जिंटा हो। और तुम्हारी ये आंखें, उफ, मार ही डाला। इन्हीं आंखों में तो डूब के डुबाओगा सबको। खुद को। कम, लेट्स गो। प्रथा, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर जिंदगी में कभी ये कोई बदबू या खुशबू सूंघ ले तो जिंदगी भर नहीं भूलते। और सांप, और सांप को तो ये दूर से सूंघ लेते हैं। इनकी कोई उम्र नहीं होती, मतलब ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। पर दीदी, ये सब का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ना, कुछ तो होगा जिससे हम इस नेवले को हमारे कब्जे में कर सके। हाँ, एक तोड़ है। अगर कोई भी काले लोहे से इनकी आंखों में वार किया जाए तो इनका अंत हो जाएगा। दीदी, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सीमा चंदा माँ से उस अमृत कलश का राज उगलवा दे, उससे पहले हमें चंदा माँ की याददाश्त वापस लानी होगी, और सीमा से अमृत कलश को बचाना होगा। चंदा माँ, कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस काल रात्रि की रात को क्या हुआ था, कुछ तो बताइए ना। देखिए, अगर आप याद करके बताएंगे तो शायद हम आपको आपके बेटे से मिला पाए। तुझे पता है मेरा बेटा कहाँ? तू मिली है उससे? हाँ, मिली उससे, जानती हूँ उसे, और ये भी पता है कि वो कहाँ है। पर मैं आपको उससे तब तक नहीं मिला पाऊंगी जब तक आप उस रात की यादों को ताजा करें और मुझे कुछ बताए। बन्नू कौन है? चंदा माँ, अब तक तो आप नागमहल का नाम ले रही थी, अब तक तो हमें ये भी नहीं पता कि अमृत कलश है कहाँ, जिससे हमारा देश बच सकता है। बन्नू प्रथा, ये बन्नू कौन है? अब कलश के साथ ये बन्नू ही था। उसने बात बन्नू से ही की थी। बन्नू पर कौन है ये बन्नू? बन्नू है कौन चंदा माँ? वो क्या बात की थी? वो बेटों को संभालेगा। उसने कहा था, उसने बात की थी। बन्नू ये चंदा माँ क्या बात कर रही है? प्रथा, धीरे धीरे इनकी यादें वापस आ रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है। इनकी याददाश्त वापस आ गई
तो यही हमें उस कलश तक लेके जाएंगे। सीमा वैसे भी रैनाक्ष और आन्या की सगाई की प्लान कर रही है कल, तो क्यों ना आज मैं भी कल के लिए कुछ प्लान करूं। कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि चंदा माँ सबके सामने सच बोल देगी और सीमा का राज खोल देगी। ए रैनक्स, क्या बात है यार, इतनी जल्दी शादी का फैसला? तुम तो बहुत फास्ट निकले भाई। शादी तो लाइफ में एक बार करनी चाहिए ना। करेक्ट, शादी का लड्डू लाइफ में एक बार तो सभी होगा। तो तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें शादी का लड्डू खाना? जब मैंने अपना पूरा टाइम आन्या के साथ बिताया, कुछ अपनी कही और बहुत सारी इसकी सुनी, और फिर हमने आज ही डिसाइड किया कि हम एंगेज हो जाएंगे। आंटी की एनिवर्सरी पार्टी के बाद मैं मॉम को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। घर जाते ही मॉम का ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा, और जैसे ही मॉम को सेटल कर देता हूँ, आई बी बैक फॉर यू। और फिर मैं आकर आन्या से शादी कर लूंगा, और उसके बाद मैं आन्या को भी अपने साथ घर ले जाऊंगा, जहां पर हम लोग दोनों मिलकर मेरी मॉम का ख्याल रखेंगे। ऐसा ख्याल जो आज तक शायद ही किसी बेटे ने अपनी मां का रखा हो। ललित जी, आप आ गए। थैंक गॉड। आइए 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 ना। सच में माता रानी की मेहरबानी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आप घर तो आ गए। आपको पता है आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है, एक ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऋषभ को मारने के लिए मुझे सिर्फ एक ही सेकंड लगेगा। अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझे? अब ऋषभ बेटा जल्दी लेकर आओ, प्यास लग रही है। मैं पिला देती हूँ। जी। ये लीजिए ना। हाय स्वीटहार्ट, क्या बात है, क्या सोच रही हो? मैं देख रहा हूं कि जब से रैनक्ष इस घर में आया तुम बहुत खोई खोई सी रहती हो, क्या बात है? क्या बात है, अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं आप। ऑफ कोर्स। आपको कैसे पता चला मैं रैनक्ष के बारे में सोच रही हूँ? अब क्या करें, तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना आता है। पता नहीं ऋषभ जी, उस रैनक्ष ने हमें जो नंबर दिया था उसका, उस पर मैंने कई बार फोन करके देखा, हर बार वो फोन कोई उठा के कह देता है कि रॉन्ग नंबर है, वो नंबर रैनक्ष का नहीं है। पता नहीं मुझे वो रैनक्ष बड़ा गड़बड़ सा लगता है, उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। लेकिन प्रताप, कम इन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। अरे रैनक्ष, तुम अंदर आओ ना। एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना था कि मेरा जो नंबर है वो चेंज हो गया है, मेरा पुराना नंबर हैक हो गया। सॉरी। और इसीलिए मुझे नया नंबर लेना पड़ा। मैंने सोचा मैं जो भी करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो। आफ्टर ऑल तुम अपनी कजन सिस्टर की शादी मेरे साथ कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोग से कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम लोग का विश्वास नहीं तोड़ना। अरे कम ऑन डूड, इधर आ। बन्नू से दूर रहना चाहिए। बन्नू अच्छा नहीं है, बन्नू से दूर रहना चाहिए। बन्नू से दूर रहना चाहिए। ये बन्नू कौन है? अच्छा नहीं है। सुना अभी तो ये
ये पन्ना कौन है? वो जिसने जिसने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। ये बात मुझे प्रथा को भी बतानी होगी। चंदमा, आप आराम कीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप बाहर मत जाना। मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो बुढ़िया तो बाहर आ सकती है ना? भाई जूस। नो थैंक्स। लो ना यार। चीयर्स। भाई हम फ्लाइट से भी तो जा सकते थे ना यार, क्या बस में जा रहे हैं? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन मुझे अपने छोटे भाई को थोड़ा ज्ञान भी तो बांटना है ना। और वैसे भी देखना, सीधा साधा रास्ता है, सुंदर सुंदर वादियां हैं, वो देख और एंजॉय करना, यही तो लाइफ है। परजाई जी, मैं भी तैयार हूँ, मेरी थाल भी तैयार है, आप तैयार हैं? राधा मैं आ गई हूँ, चलो चलते हैं। प्रथा एक मिनट। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं और तुम्हारी चाची मंदिर जा रहे, तुम भी चलो हमारे साथ। अब इस बवाल को भी साथ लेकर जाएंगे मंदिर में? बवाल नहीं राधा, बहू है ये इस घर की। कल रात इसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चलो हमारे साथ मंदिर, भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। मुझे समायरा को देखने जाना था। क्या सोच रही हो तुम? अगर अपनी गलती का एहसास है तुम्हें तो चलो हमारे साथ मंदिर, चलो। सीमा मुझे मंदिर क्यों ले जा रही है? अब इसका क्या मकसद है? माँ ये सीमा मुझे छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं माँ। माँ मुझे प्लीज बचा लीजिए, बचा लीजिए माँ। माँ ऋषभ, नहीं सीमा नहीं, मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। ऋषभ माँ मुझे बचा लो माँ। ऋषभ माँ मैं यहाँ। ऋषभ बेटा कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो माँ। मैं यहाँ माँ, यहाँ प्लीज मुझे बचाओ माँ। ऋषा 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 कहाँ है तू? माँ मेरी जान खतरे में, प्लीज मुझे बचा लो माँ। ऋषा चंदमा कहाँ गई? मॉम, डैड, मैं यहां से निकल रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। रेहान नहीं है घर पे, मैं जल्दी से यहां से निकल जाती हूँ, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे जाना है। तो आ गया? आना पड़ा यार, अपनी बीवी को ठिकाने लगाने आया हूँ, जब देखो मेरी कंप्लेंट करती रहती है। मैं जस्ट वेट एंड वॉच में क्या करता हूँ? ये क्या बैकपैक? घर से भाग रही है, भाग के दिखा। पुलिस बुलाएगी,
मेरी कंप्लेंट करेगी? अब देख मैं क्या करता हूं। ऋषभ, मां, मां मुझे बचा लो मां। ऋषभ मैं आ रही हूं। बेटा ऋषभ, ऋषभ। हेलो। तुम माँ मुझे बचा लो माँ। फिर धोखा खा गई ना बुढ़िया। अभी मुझे मुझे रेहान ने बहुत मारा। उसने मुझसे शादी करके इतना बड़ा धोखा, उसने मुझे बहुत मारा। रेहान ने तुझे मारा? एक मिनट, ये क्या बवाल है परजाई जी? हाँ, रेहान तो ऋषभ के साथ सूरत गया, तो वो यहाँ के इसे कैसे मारेगा? ये जो आपकी बहू है ना, ये नागिन है, नागिन। इसे भड़का भड़का के इसके दिमाग में ना जहर भर दिया इसने। वो मुझे रोज मारता है। ये क्या बोल रही हो तुम समायरा? बस अब बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। समायरा के साथ बहुत गलत हुआ है, कितना मारा गया उसे। प्रथा, रेहान तो घर पे नहीं था, वो तो तुम्हारे सामने ऋषभ के साथ सूरत के लिए निकल गया था। समायरा घर पे अकेली थी। और एक मिनट, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए तो तुम हमारे साथ मंदिर नहीं आई। कहीं वो दवाई का ये असर तो नहीं है, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोले जा रही हो, तुम होश में ही नहीं हो। हाँ, मैंने दवाई खाई थी, लेकिन मैं रेहान की मार खा के थक चुकी। वो मुझे रोज मारता है। मैं घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन अचानक से रेहान आ गया और उसने मेरे साथ ये सब किया। रेहान है ही नहीं घर में ऋषभ के साथ, वो बस में है, सूरत पहुंचेगा सुबह तक, तो तुम्हें यहाँ पर आके मार कैसे सकता है? क्या बोल रही है परसाई जी? एक सेकंड, मैं ऋषभ जी को फोन लगाती हूँ, उनसे ही पूछती हूँ। आई बड़ी। ऋषभ जी, आप रेहान को लेके घर आ जाइए अभी इसी वक्त। इसने मुझे जानवरों की तरह मारा है। मैंने मारा? मैंने? पर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरे साथ था ना, हम सूरत गए थे। एग्जैक्टली, ये तो ऋषभ के साथ था, वो तुम्हें कैसे मार सकता है? कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब पुलिस ही तय करेगी, जिसकी गलती होगी उसे उसकी गलती की सजा मिली जाएगी। ओहो, क्या बात है, आज इस घर में केस कुछ अलग ही लग रहा है। नहीं, वरना मुझे तो लगा था कि इस घर में फिर से कोई गायब हो गया है, भाग गया। क्यों मिस्टर ऋषभ? मिसेस समायरा, क्या मैं जान सकता हूं ये आपको चोट कैसी लगी? इंस्पेक्टर, इसने मुझे बहुत मारा, बहुत अब्यूज किया। ये पति के रूप में एक जानवर है। मेरे ख्याल से जानवरों को कैद में रखना चाहिए,
चलो इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना ये मेरे साथ था, हम दोनों सूरत गए थे। पर इंस्पेक्टर, अगर एक पत्नी आपको कह रही है कि उसके पति ने उसे मारा है, पीटा है, तो आप एक पत्नी की गवाही लेंगे? एक पत्नी झूठ क्यों बोलेगी? इसलिए आप उसे गिरफ्तार कीजिए और छानबीन होने तक उसे छोड़ना मत। मिस्टर जानवर, चलो। अरे इंस्पेक्टर, अरे अरे आप सुनिए तो सही। अरे, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? राधा, ये क्या हो रहा है? प्रथा, ये सब क्या है? देखो, समायरा की ऐसी कंडीशन देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रेहान जब था ही मेरे साथ तो फिर घर पे रह के इसको कैसे मार सकता है? पर समायरा झूठ क्यों बोलेगी? ये अच्छा बवाल है परजाई जी, बहुत अच्छा बवाल है। मैं ऐसे घर में नहीं जीना चाहती हूँ जहाँ लोग झूठ बोल के मरने मारने की बातें कर रहे हो। मैं सच में जहर पी के मर रही हूँ। चाची, राधा, तुम्हें मेरी कथा में बिना दादा, ये भगवान, रितेश डॉक्टर को फोन लगा। प्रथा, ये सब क्या है? मैं कहता हूँ कंप्लेंट वापस लो। मैंने तुमसे हजार बार बोला है कि रेहान मेरे साथ था, तो तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मुझे आप पे विश्वास है, पर आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। रेहान ने समायरा को मारा है। तुम इतना शौक कैसे हो? क्योंकि समायरा के कपड़ों से उसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है जो परफ्यूम मैंने आपको दिया था, और मैंने अपनी नजरों से देखा है रेहान को वही परफ्यूम यूज करते हुए, और अभी मैंने दरवाजे से किसी को भागते हुए भी देखा था। और तुम शोरों की वो लड़का रेहान ही था जो घर के बाहर भाग रहा था? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर आई एम श्योर वो रेहान ही था। प्रथा, ट्रस्ट मी, रेहान मेरे साथ था, हम दोनों सूरत के लिए गए थे, भूल गई क्या तुम? ये जो तुम एक्यूजेशन लगा रहे हो ना मेरी फैमिली पे, ये मेरी फैमिली का नाम बदनाम कर रही। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली पर कोई भी मुसीबत आई ना, आई डोंट बियर इट। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं प्रथा, अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो जो लड़का घर के बाहर भाग रहा था वो रेहान नहीं है, और उसकी वजह से अगर चाची को कुछ भी हुआ ना प्रथा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।